नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। हमारे समक्ष है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो देखा जा रहा है कि जो विकास कार्य जो बोल रहे हैं अपने गोंदिया में, तो गोंदिया में विकास कार्य किस तरह से पार्टी कर रही है और क्या लोगों की समस्या है, उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। पर सबसे पहले आज आप लोगों को, मैं सभी को और हमारे गोंदिया जिले के सभी नागरिक बंधुओं को, बहनों को, सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। अभी लगभग 100 दिन महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की युति की सरकार आई है और उसके पहले सिर्फ घोषणा करने वाली सरकार थी। 2.5 साल में महाराष्ट्र का विकास का जो सिलसिला जोरों से चलना चाहिए था वो सीमित क्षेत्रों में मंत्रियों के कार्य क्षेत्र में ही चला और बाकी पूरे महाराष्ट्र में आम आदमी हलाकान हुआ है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो। एक छोटा सा मुद्दा आपने देखा है कि पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने की बात जब पूरे देश ने किया तो महाराष्ट्र उसमें मुंह देखते रहा। केंद्र सरकार पे आरोप लगाकर खुद ने कुछ नहीं करना, ऐसी भूमिका में इस सरकार ने काम किया। लेकिन जैसे ही हमारे भाजपा शिवसेना की युति की सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने पेट्रोल डीजल का वेट कम किया, लोगों की अड़चनों को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास किया। किसानों को, जिनसे वादा किया गया था कि 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देंगे, वो इस सरकार ने तुरंत देने का काम दिवाली के पहले करके दिखाया। जबकि पिछली सरकार सत्ता में आने के बाद 2.5 साल तक देने की बात करती रही और जाते जाते सिर्फ प्रस्ताव पास करके चली गई। तो किसान को मालूम था कि सरकार हमारी जा चुकी है, इसके बाद प्रस्ताव पास किया। ऐसी पूरी घोषणाबाजी की सरकार, लूट खसोट की सरकार थी और अब विकास का सिलसिला पिछले 3-3.5 महीनों में, विशेष करके देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, एक महाराष्ट्र पिछले सब कमियों को दूर करते हुए एक विकास की राह पे चल पड़ा है। चाहे मुंबई का मेट्रो का काम हो, चाहे हमारे रोड रास्ते समृद्धि महामार्ग को पूर्ण करने की जोरदार कवायद हो, ये सारे काम बड़ी गति के साथ चल रहे हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक नई संस्था का निर्माण करने का फैसला किया है और ये सब भारत को आने वाले समय के लिए, महाराष्ट्र का भी योगदान उसके अंदर बराबरी का रहे, इसके लिए प्रयत्न है। जहाँ तक कि हमारे गोंदिया भंडारा जिले का विषय है, इस विषय में निश्चित रूप से हमारा पूरा क्षेत्र धान उत्पादक क्षेत्र है और पिछले 2 सालों में जिस प्रकार धान खरीदी केंद्र में किसान की लूट हुई, धान का भारी नुकसान हुआ और जिस प्रकार बोनस के नाम पर बोगस खरीदियां दिखाई गई, ये सारी बातों पर अंकुश इस सरकार के माध्यम से हो, ये हमने पहल करके कहा है। और अब बोनस धान खरीदी केंद्र पर ही धान लाएंगे तो मिलेगा, ऐसा जो नियम है उसको हटाकर सरकार डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से बोनस देने की तैयारी में है। एक बहुत ही अच्छा कदम महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से उठ रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार से सोसाइटियों में हम देख रहे हैं कि बहुत ही अफरा तफरी हुई है, ऐसे लोग जिनको कोई अनुभव नहीं है, कोई होटल वाला, कोई दारू वाला, ऐसे लोगों को भी पिछली सरकार में धान खरीदी केंद्र मिले, उनका भी स्क्रूटनी करके प्रामाणिक संस्थाओं को ये धान खरीदी केंद्र मिले, इस दिशा में भी पालक मंत्री के नेतृत्व में काम हो रहा है। और जहाँ तक के गोंदिया विधानसभा का प्रश्न है, दुर्भाग्य से पिछले 3 सालों में इसके नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। दुर्भाग्य से
गली नाली रोड रस्तों से विकास दिखता नहीं जब तक उसको उसका फायदा आम आदमी को न मिले, आम आदमी के जीवन स्तर का ऊंचा उठाने का काम, उसकी गरीबी को कम करने का काम जो होना चाहिए था, उस दिशा में कोई काम पिछले 3 साल में तो हमें गोंदिया विधानसभा में नजर नहीं आया। चारों तरफ रोड रस्तों की हालत एक अनुभवहीन व्यक्ति के चुनके जाने के कारण हर गांव में नजर आई। अब नई सरकार आई है और अपने आदत के मुताबिक हमारे आमदार ने अब पाला बदला है और वो सरकार के साथ आके खड़े हुए हैं, तो ये सब समस्याओं का निदान जरूर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा लक्ष्य देने की आवश्यकता है वो सिंचन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, हमारे गोंदिया के मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने के लिए और उसके साथ साथ नए नए संस्थाओं को यहाँ लाने की, और ये बहुत बड़ा संघर्ष आने वाले समय में इस सरकार के साथ समन्वय बैठाकर हम जरूर करना चाहते हैं। हमारे गोंदिया की सिंचन व्यवस्था मजबूत हो, यहाँ किसानों को 24 घंटा 365 दिन पानी मिले, ऐसी व्यवस्था का निर्माण, गोंदिया शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम चल रहा है उसको उधर उत्तरी भाग में भी विकसित किया जाए, क्योंकि अभी जो काम चल रहा है वो दक्षिणी भाग का चल रहा है और उत्तर भाग के बारे में किसी ने तो लक्ष्य नहीं डाला है, उसकी तरफ लक्ष्य दिया जाए। हमारे गोंदिया शहर के अंदर में जो फ्लाईओवर का निर्माण करना है उसको गति मिले, और उसके साथ साथ जो गोंदिया शहर के अनेक प्रकल्प रुके हुए हैं, चाहे गोंदिया का बचत भवन हो, गोंदिया का सिंचन भवन हो, चाहे गोंदिया का ऑडिटोरियम हो, ये सारे प्रकल्प राज्य सरकार की मदद से इन सबको गति लाने का काम किया जाना चाहिए, तभी यहाँ का एक नया लुक गोंदिया का नजर आएगा और साथ ही साथ सिंचन की व्यवस्था बढ़ने से बेरोजगारी भी कम होगी और संपन्नता भी बढ़ेगी। इस सारे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और इसकी ओर भले ही मैं आज पद पर नहीं हूँ लेकिन इस सारी बातों के तरफ हमारा पूरा लक्ष्य है और जरूर हमारी अपनी सरकार है तो उसके साथ में समन्वय बैठाकर हमें सारे कामों को गति देने के लिए पूरा ईमानदारी से प्रयत्न करने वाले हैं। इतना ही मैं आज यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। गोंदिया के अंदर बहुत जो लोग अतिक्रमण में रहते हैं उनके अतिक्रमण के पट्टों को दिलाने के लिए हमारा गोंदिया का धारावी संजय नगर जहाँ पर 400 परिवार अतिक्रमण में रहते थे, 15 सालों की सतत लड़ाई के बाद में अब उन लोगों को भी पट्टे देने का काम शुरू हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय राजस्व मंत्री विखे पाटिल साहब आकर उनको 1 तारीख को पट्टे वाटप करने वाले हैं। ऐसे कई काम अभी लोगों के व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के इस गोंदिया में करने की आवश्यकता है। सिंधी समाज का प्रश्न है, राइस मिलों का प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों को एक लक्ष्य धंधे करके उनकी तरफ पूरा उनको न्याय देने की भूमिका रखने की आवश्यकता है। समाज के हर तबके को न्याय मिले ये हमारी कोशिश रहने वाली है और उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पार्टी के नेता बावन गुड़े जी हों, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हों, ये सारे लोगों का साथ मुझे इन समस्याओं के लिए लड़ने में अवश्य मिलेगा। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।